मध्य प्रदेश में दिख रहे ठंड और गर्मी दोनों के मिजाज, दो दिन बाद बदलेगा मौसम। मध्य प्रदेश में मौसम एक बार फिर से बदल रहा है। कुछ जिलों में लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं तो कुछ जिलों में ठंडी हवाएं चल रही हैं। खंडवा और खरगोन में तापमान 30 डिग्री के पार चला गया है तो रीवा और दतिया में 6 डिग्री बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 16 जनवरी के बाद मौसम में बदलाव आ सकता है। 22 जनवरी को एमपी में रहेगा ड्राई डे, बंद रहेंगी शराब और भांग की दुकानें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर राज्य में ड्राई डे घोषित किया है। पूरे प्रदेश में शराब और भांग की दुकानें बंद रहेंगी। इससे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राज्य में ड्राई डे घोषित किया था। बालों से राम रथ खींचकर अयोध्या ले जा रहे बाबा 501 किलोमीटर का सफर करेंगे तय। मध्य प्रदेश के दमोह जिला निवासी बद्री प्रसाद विश्वकर्मा ने साल 1992 में प्रण लिया था कि जब रामलला भव्य मंदिर में स्थापित होंगे तब वो अपनी चोटी से राम रथ खींचकर अयोध्या तक पैदल यात्रा करेंगे। मालदीव ने भारत से 15 मार्च तक सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने को कहा। भारत और मालदीव के बीच बिगड़ते रिश्ते के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने भारत को 15 मार्च तक अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए कहा है। मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सैन्य कर्मियों को 15 मार्च तक देश छोड़ देना चाहिए। ये घटनाक्रम मोहम्मद मोइज़ू द्वारा चुने जाने के बाद चीन की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर शी जिनपिंग से मुलाकात के कुछ दिनों बाद सामने आया है। रामायण सीरियल में श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल सुनाएंगे राम कथा 24 जनवरी को आयोजन। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। इसे उत्सव के रूप में मनाने के लिए देश भर में तैयारियां हो रही हैं। इसी कड़ी में भोपाल के बिट्टन मार्केट दशहरा मैदान में सुना श्री राम कहानी का भव्य आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में रामायण सीरियल में श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल राम की कहानी सुनाएंगे। इसरो का सेंटर मध्य प्रदेश में भी खुले, इस संबंध में प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय एवं मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के संयुक्त तत्वाधान में कालिदास अकादमी के संकुल हॉल में वैज्ञानिक युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इसरो का एक सेंटर प्रदेश में भी खुले, इस संबंध में प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने श्री राम मंदिर अयोध्या के लिए बनाए लड्डू। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाकालेश्वर प्रबंध समिति की चिंतामन स्थित लड्डू प्रसाद निर्माण इकाई पहुंचकर अयोध्या के लिए बना रहे लड्डुओं के निर्माण प्रक्रिया का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने स्वयं भी लड्डू बनाए और उनकी पैकिंग भी की तथा लड्डू बना रहे कारीगरों से बातचीत भी की। पथ गमन न्यास की पहली बैठक 16 जनवरी को चित्रकूट में होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में 16 जनवरी 2024 को ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय चित्रकूट में श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास की पहली बैठक होगी, जिसमें श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास से जुड़े सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी। मेरी इच्छा पूरी करोगी तभी। बीज निगम के कर्मचारी ने 3 लड़कियों को भेजा अश्लील मैसेज। मध्य प्रदेश बीज निगम में संविदा नियुक्ति के लिए 3 लड़कियों ने आवेदन किया था। इसके बाद अभ्यर्थियों का इंटरव्यू किया गया, जिसमें भोपाल से टीम आई थी। इंटरव्यू के बाद निगम के कंप्यूटर ऑपरेटर ने उन लड़कियों को फोन करके अपने साथ सोने के लिए कहा और बोला कि उसकी इच्छा पूरी होगी तो उनकी नौकरी पक्की हो जाएगी। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा का दिल का दौरा पड़ने से निधन। लखनऊ में ली अंतिम सांस, एक मकबूल आवाज शांत हो गई। मां पर कई रचनाएं लिखने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राणा का देर रात कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। वो कई दिनों से बीमार थे। उनका लखनऊ के पीजीआई में इलाज चल रहा था। उन्हें 9 जनवरी को तबीयत बिगड़ने के बाद आईसीयू में भर्ती कराया गया था। राणा ने 71 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। मुनव्वर को किडनी और हार्ट संबंधी कई समस्याएं थीं।